$10 बिलियन की टाइम मशीन को देख रहे हो, जो हमें अनंत ब्रह्मांड के सफर पर लेकर जाएगी। एक ऐसा सफर जो हमें बताएगा कि हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग होने के 100 से 250 मिलियन ईयर्स के बाद कैसा दिखता था। इस सफर से हम समझ पाएंगे कि हमारे यूनिवर्स की पहली गैलेक्सी कैसे बनी। ये सफर हमारी यूनिवर्स को जानने की समझ को पूरी तरह से बदल देगा। आप अब तक बनाए गए सबसे बड़े और शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप को देख रहे हो, इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। पर ऐसा क्या है इस टेलीस्कोप में कि हर कोई इसे टाइम मशीन कह रहा है, और ये हबल स्पेस टेलीस्कोप से बेहतर क्यों है? डोंट वरी, हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या खास है। जब कभी आप सिटी लाइट्स से दूर किसी जगह पर जाते हो और रात के टाइम आसमान को देखते हो, तो आपको बहुत से स्टार्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा आप कुछ प्लैनेट्स को भी देख पाते हो, लेकिन हमारा यूनिवर्स बस इतना नहीं है जितना हमारी आंखें देखती हैं। यूनिवर्स अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज का घर है, और हमारी आंखें इसमें से बहुत बहुत छोटी सी रेंज को ही देख पाती हैं। हमें अलग अलग स्टार्स और गैलेक्सीज से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मिलती है, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते। इसीलिए इन रेडिएशंस की स्टडी करने के लिए हमें एडवांस्ड टेलीस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है, जो अलग अलग टाइप्स की रेडिएशन को पकड़ने के लिए डिजाइन की जाती है। हमने ऐसी बहुत सारी टेलीस्कोप बनाई है जो स्पेक्ट्रम के अलग अलग पार्ट में काम करती हैं। हबल टेलीस्कोप इनमें से सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए हबल ने हमें यूनिवर्स की ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो हमें पहले नहीं पता थी। हबल टेलीस्कोप ऑप्टिकल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पर काम करती है, पर जेम्स वेब इंफ्रारेड रेडिएशंस को आसानी से पकड़ सकती है, जिसका मतलब ये हुआ कि जेम्स वेब यूनिवर्स के बहुत दूर के उन पार्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकती है जो हबल टेलीस्कोप नहीं कर सकती। अब सवाल ये है कि आखिर एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप यूनिवर्स के अंदर तक कैसे देख सकती है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या है। इंफ्रारेड रेडिएशंस किसी भी ऑब्जेक्ट में से निकलने वाले हीट सिग्नेचर्स हैं। भले हम इंफ्रारेड रेडिएशंस को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर हम इसको फील कर सकते हैं। अगर आप किचन में स्टोव के पास खड़े हो, तो स्टोव से निकलने वाली हीट इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, पर हम उसको अपनी स्किन पर फील कर सकते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की स्टडी से हमें पता चलता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ से ज्यादा होती है। हमारे यूनिवर्स के बहुत सारे पार्ट्स एक डस्ट जैसे चीज से भरे हुए हैं। इस डस्ट के पीछे बहुत सारे स्टार्स और प्लैनेट होंगे जो अभी अभी बने होंगे। इनमें से निकलने वाली रेडिएशंस के विजिबल पार्ट को ये डस्ट रोक लेती हैं और ये रेडिएशन हम तक नहीं पहुंच पाती। इसका कारण ये है कि विजिबल पार्ट की रेडिएशन की वेवलेंथ कम होती है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो ये रेडिएशन इस डस्ट में से बाहर आ सकती है। जब ये रेडिएशंस डस्ट को पार करके बाहर आएंगी तो जेम्स वेब इनको पकड़ लेगा, जिससे वेब को 13.5 बिलियन ईयर्स पीछे देखने में हेल्प मिलेगी। क्यों ये रेडिएशंस इस प्लैनेट से आई होगी जो जस्ट अभी बन रहे होंगे? क्या आप कंफ्यूज्ड हो कि हम ये क्यों कह रहे हैं वेब को 13.5 बिलियन ईयर पीछे देखने में हेल्प मिलेगी? ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट इनफिनाइट स्पीड से ट्रेवल करती है। फॉर एग्जांपल, लाइट को सन से हमारी अर्थ तक आने में 500 सेकंड का टाइम लगता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सन देख रहे हैं वो सन 500 सेकंड पुराना है। हम कह सकते हैं कि 500 सेकंड पहले सन ऐसा दिखता था। ऐसा आसमान में दिखने वाली हर चीज के साथ होता है। वो हमें कुछ टाइम पहले की ही दिखती है, ना कि रियल टाइम की। किसी को नहीं पता कि यूनिवर्स अभी कैसा दिखता है। इसीलिए हमने कहा था कि वेब टाइम में पीछे देख सकेगा, क्योंकि जो इंफ्रारेड रेडिएशन वो पकड़ेगा वो 13.5 बिलियन ईयर्स पुरानी होंगी। इंफ्रारेड टेलीस्कोप को ऐसा डिजाइन किया जाता है ताकि वो कम से कम हीट रिलीज करे, जिससे वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को आसानी से पकड़ सके। वेब में जो मिरर लगा है उसको -233 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाएगा। सन की रेडिएशन से बचने के लिए इस पर 5 लेयर सन शील्ड लगाई गई है, जो कि सन से आने वाली हीट को मिलियन टाइम कमजोर कर देगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे लिए यूनिवर्स के नए दरवाजे खोलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।